पड़ा तो जो पिछली सरकार में जो मंत्री थे उन्होंने नहायत ही सैकड़ों करोड़ रुपए बंगलों पर लगाए हुए थे, ये बात भी सामने आई, क्योंकि जिन बंगलों में काम हो चुका था उन बंगलों में इस बार कोई भी सिविल वर्क नहीं हुआ है। मात्र 1500 रुपये का सिविल वर्क हुआ है जो सीएम का जो दूसरा घर है उसमें, और वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन में ज़रूर तब्दीलियाँ हुई हैं तो इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क हुआ, लेकिन कई जो बंगले जो उस समय लिए गए थे मंत्री जिन मंत्रियों के पास में थे उसमें ज़रूर निसंदेह करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। इस बार जो जिस बंगले पे काम हुआ है उस बंगले में पहले कभी काम नहीं हुआ था 18 साल से, जैसा कि बोला है मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैं फिर भी एक मानता हूँ कि महंगाई जो विषय आपने उठाया है, महंगाई के विषय पर जिस प्रकार से कांग्रेस ने आज विधानसभा में जो अपनी प्रतिक्रिया दी, तो देखिए विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं और वो पहले से और दोनों दलों से मिलकर सभी सदस्यों से विधानसभा के अंदर जो विपक्ष है उससे, जो सत्ता पक्ष है उससे, और निर्दलीय विधायक जितने होते हैं उनसे मिल करके बात करके उसके अनुसार में फिर एक विषय वस्तु तैयार होती कि अगले दिन हमें क्या करना है, अगले दिन विधानसभा में क्या कार्रवाई होगी। तो चूंकि नियत था कि आज के दिन में 15 विधेयक, जो लगभग 15 विधेयक को विधानसभा में पास होने जा रहे हैं उन पर चर्चा होनी है। तो देखिए कांग्रेस अब आज जो है जिस पहले निश्चित हुआ या तो पहले ही विरोध कर देते, अब जिस दिन जिस विधेयक पर चर्चा होनी उस पर आज चर्चा नहीं करेंगे, उस पर भागेंगे दूसरी मुद्दे की बात उठा के और फिर बाद में कहेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूं आज से आप अगर साल भर पहले जाएं तो विधानसभा में आपका भी यही हाल था, कांग्रेस कहती थी चर्चा करो और आप हंगामा करते रहते थे, तो वो अगर कर रहे हैं तो वो गलत है, और आप जब विपक्ष में थे आप ऐसा करते थे तो सही था, उस समय आप सदन में बैठे ही नहीं, हाँ बहिर्गमन कर देते थे, आप याद करिए नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी थे उस समय। नहीं बिल्कुल आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन हम जब उसमें जिस विषय पे जो मुद्दे होते थे, जैसे कि उस समय जो भी विषय आए उस पर पहले से तय होता था तब कोई विरोध नहीं किया। हाँ हम पक्ष की उसमें ये शामिल करिए आप जो मुद्दे, तो उसमें शामिल नहीं करे उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष जी ने, और आपने देखा ही होगा कि जो विधानसभा अध्यक्ष थे उन्होंने पारदर्शिता तो बिल्कुल नहीं निभाई, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष सभी विधायकों का होता है, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे सत्ता पक्ष का, चाहे विपक्ष का, क्योंकि प्रहलाद लोधी जी की सदस्यता तो भंग कर दी गई थी आपको याद होगा। फिर प्रहलाद लोधी जी की अगर सदस्यता नियमानुसार विधानसभा अध्यक्ष जी ने नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी ने भंग की होती तो फिर उनको बैकफुट पर नहीं आना पड़ता, देखिए यू टर्न लेना पड़ा था पूरी विधानसभा को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि आपने आज विषय रखा महंगाई। अच्छा महंगाई जी। मैं महंगाई के ऊपर आपको बताऊं, महंगाई एक विषय जो है ये बड़ा गंभीर विषय है, और आपने देखा होगा कि इस वर्ष तो 100 साल के बाद भी ऐसा पैंडेमिक आया तब भी अभी महंगाई की दर आपको देखिए पूरे भारत में महंगाई दर अभी खुदरा महंगाई जो है वो 4% के आसपास है। आप देखिए यही जो महंगाई की दर थी सितंबर 2020 में 7.5% के आसपास थी, 7.34 थी, फिर दिसंबर आते आते 4.59 हुई, और जनवरी के महीने में जो लास्ट अभी रिकॉर्ड हुई है वो 4.06 महंगाई की दर रिकॉर्ड हुई है।